दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। बहुत जल्द आने वाली फिल्म कबाड़ द कॉइन स्टेरिंग के कास्ट से मीडिया ने की खास बातचीत। बहुत जल्द ही आपको विवान शाह का बहुत ही अलग अंदाज देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, उनकी आने वाली नई फिल्म कबाड़ द कॉइन में वो एक कबाड़ी वाले का रोल प्ले करेंगे। उनका मानना था कि वो कुछ ऐसा ही रोल करना चाहते थे और वो मिल भी गया है। विवान के अलावा इस मूवी में जोया अफरोज और टीवी के अभिषेक भी दिखने वाले हैं। इन तीनों ने हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और रिलीज डेट की एक्साइटमेंट जाहिर की। इसके अलावा विवान ने हमें बताया कि कितना हेल्पिंग हैंड रहे हैं कबाड़ी कैरेक्टर को एनहांस करने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे एक तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो रोल था बहुत चैलेंजिंग था। एंड किसी भी एक्टर के लिए इस तरीके का रोल करना, इट्स लाइक अ वी लुक फॉर सच रोल्स एंड वी रियली वांट टू एक्सप्लोर आवरसेल्फ एंड एवरीबॉडी वांट्स टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। दीज काइंड ऑफ फिल्म्स गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन ट्राई डिफरेंट एंड दिस इज वेरी रियलिस्टिक एंड द बॉन्ड विद द सर विद जोया एंड विद विवान वाज फैबुलस। वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पहले दिन से ही कनेक्ट कर रहे थे। तो वी वर फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपकी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन अच्छी होती है तो वो ऑन स्क्रीन भी अच्छी लगती है एंड दैट वर्क वेल, क्योंकि आपको जानना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी होता है सो दैट कि पता चले कि वो कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सो दैट वी कैन चैनलाइज दैट। तो फॉर मी द होल एक्सपीरियंस वाज फैबुलस सर वाज द मेन थिंग। Also, जब मैं मिलने गई मुझे ऑलरेडी पता था इन्होंने मांझी लिखी हुई है और वो बेहतरीन फिल्म है। इट्स सच अ गुड फिल्म, आई एंजॉयड वॉचिंग इट। सो मुझे पता था कि मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ उन्होंने जो नेक्स्ट लिखी होगी वो भी उतनी अच्छी होगी। सो आई थिंक दैट वॉज द मेन रीज़न। कहानी आजकल कॉन्टेंट इज़ द हीरो। आजकल की जो ऑडियंस है वो डिफरेंट कंटेंट देखना पसंद करती है, रियलिस्टिक फिल्में या कह सकते हैं आप देखना पसंद करती हैं। एंड जो भी कैरेक्टर्स हैं दे हैव शेड्स इन देम एंड रोमा का जो कैरेक्टर है स्पेशली, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन टू फाइंड सच कैरेक्टर्स जो इतना मीटी रोल हो, कितना कुछ करने मिले यू नो उन्हें। सो आई थिंक आई गॉट टू डू दैट। रोमा इज फंसी हुई है सैम और बंधन के बीच में। सैम जो लिव इन बॉयफ्रेंड है उसका, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है, बंधन कबाड़ी वाला है और दोनों के बीच में पैसा प्यार, सो मच कॉन्फ्लिक्ट। कहानी की सबसे खास बात ये है कि वो एकदम मतलब डाउन टू अर्थ लोअर लेवल के समाज के सोसाइटी के सबसे ले मैन से ले करके एकदम हाई प्रोफाइल तक चली जाती है, मतलब सबको जोड़ देती है। कहानी चौल में भी शुरू होती है और कहानी कॉर्पोरेट में भी जाती है और कहानी डिस्को थेक में भी जाती है, कहानी ब्राउन शुगर तक जाती है, स्मैक तक जाती है, ड्रग तक जाती है और कहानी एक ऐसे घर में पहुंचती है जो जूता सिल रहा होता है। तो कहानी का डिफरेंट डिफरेंट लेयर है और कलर यूं 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 बदल जाता है। तो ये है कहानी। And it's the biggest challenge in Dowdy is actually क्या हो गया है कि casting has become such कि अगर आप एक तरह के हो तो आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं कि दूसरा तरह का रोल करने के लिए, क्योंकि अगर किसी को बिहारी के ऊपर फिल्म बनाना है तो आप किसी और को लेंगे, बिहारी को ही लेंगे जैसे, और पहले इतना ऐसा नहीं होता था। और ये एक्चुअली बहुत ही ब्रेव डायरेक्टर हैं कि हमने हमने आपको मौका दिया कि ऐसा टाइप का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बॉलीवुड के कई कलाकार पहुंचे वसु भगनानी ने रखे फिल्म जवानी जानी मन के स्पेशल स्क्रीनिंग में। जुहू स्थित सनी सुपर साउंड में वसु भगनानी ने फिल्म जवानी जानी मन की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया था, जहां बॉलीवुड के कई कलाकार इस फिल्म को देखने पहुंचे। फिल्म जवानी जानी मन की स्क्रीनिंग में साहिल सांघा, वसु भगनानी, पूजा भगनानी विद धीरज देशमुख, शिल्पा शेट्टी विद हस्बैंड राज कुंद्रा, रितेश देशमुख, कुबरा सईद, जेनिलिया, जाकी भंगनानी और दूसरे कई सेलिब्रिटीज नजर आए। सिंगर कविता पौडवाल ने अपने नए सॉन्ग चिंतामणि के बारे में मीडिया से की खास बातचीत। फेमस सिंगर अनुराधा पौडवाल की बेटी कविता पौडवाल ने आज हमें उनके आने वाले चिंतामणि सॉन्ग के बारे में बताया। ये सॉन्ग एक मराठी सॉन्ग है और गणपति बापा के ऊपर है,
जहां हमेशा कविता डिवोशनल सॉन्ग के वजह से ही जानी जाती है, वहीं उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें डिवोशनल सॉन्ग से पॉजिटिव वाइब्स और ताकत मिलती है। सॉन्ग के रीमेकिंग के ऊपर भी उन्होंने अपनी राय शेयर की। चिंतामणि सॉन्ग को लेकर उनकी मॉम अनुराधा का फीडबैक भी कविता ने हमारे साथ शेयर भी किया। इसके अलावा ट्रोलिंग पे कविता ने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की। तो ये मैंने अभी आप लोगों से बातें करते करते रियलाइज़ किया कि मैं महाराष्ट्रन हूँ, मैं आई एम अ मराठी मुलगी, और फिर भी ये मेरा पहला इंडिपेंडेंट मराठी गीत है जो मैं रिलीज़ कर रही हूँ। चिंतामणि इज़ बेसिकली गणेश जी का है। इट्स आई विल नॉट कॉल इट अ भजन बिकॉज इसमें जो चीज़ कही गई है कि जो अच्छी पावर है वो सबके लिए है, एंड उसके लिए आपको छोटा बड़ा दुखी सुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है। दैट्स द सेंटिमेंट वी हैव कन्वेड इन द सॉन्ग, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड दैट अपेक्षा म्यूज़िक इज़ स्टार्टिंग द मराठी जॉनर विथ दिस सॉन्ग। कल अगर आप लोगों को पता होगा तो कल माघी गणेश है, तो मेन गणेश चतुर्थी होती है और एक माघी गणेश होता है विच हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र एंड इवेंचुअली आई एम श्योर ऑल ओवर द कंट्री। कल गणेश जी की स्थापना की जाएगी और कल ही के दिन इस गाने को रिलीज़ किया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे, एंड आई होप ये जो 2020 है ये सबके लिए बहुत ऑस्पिशियस जाए। गणपति एक ऐसे फिगर हैं, यू नो ऑफकोर्स ही इज़ अ गॉड हेड, बट टू मी ही इज़ समबड़ी, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड एंड ही इज़ लाइक समथिंग। वो होता नहीं कि कोई अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आपको इंस्टेंटली फील गुड होता है, तो फॉर मी गणपति बापा इज़ लाइक दैट। यू नो गॉड वगैरह हैं ये तो है ही, बट समबड़ी हु जस्ट गिव्स आउट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ होप। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट you know that I got to convey that feeling, because you know a lot of my friends, yeah, you know a lot of people that I meet, sometimes they say ki baki kuch nahi chahiye yaar, bas feel good chahiye। इंडियन आइडल 11 के सेट पर कार्तिक आर्यन और सारा अली खान अपनी फिल्म लव आजकल 2 को प्रमोट करते आए नजर। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।